एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। Seven of Swords, Princess of Swords, Princess of Cups, King of Wands, and King of Pentacles. Okay, King of Wands है यहाँ पे। आप किसी ऐसे person से deal कर रहे हैं जो कि बहुत charming है, attractive है, passionate है, fierce है, और practical भी बहुत ज़्यादा है। In fact, इन्हें ऐसा लगता है कि relationship से पहले बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा important हैं। इस पॉइंट पर ये पर्सन बिल्कुल भी रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं इनका इरादा क्या है या ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनका बिहेवियर आखिर आपकी तरफ ऐसा क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक मैच्योर इंसान को दर्शाता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये वक्त इस पर्सन ने अपने करियर के ऊपर फोकस करने के लिए रखा है। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे इनके लिए जरूरी हो गया। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये इस वक्त पूरी तरह से आपसे दूर हो या नो कांटेक्ट की सिचुएशन तक हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं और जा रहा है या आप इनके दिमाग में नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ब्रेकअप की सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जिद्दी हो रहे हैं या आप बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गए हैं एंड बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे आप अपनी गलती नहीं मानने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गलती आपकी है, पर गलती आपकी है नहीं। एंड ये चीज समझने में इस पर्सन को इस वक्त थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इनका ईगो जो है वो बहुत बड़ा है, एंड हो सकता है कि इसलिए पर्सन इस वक्त आपको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर रहा। इनफैक्ट आपको पूरी तरह से कोल्ड शोल्डर या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जो आप देख नहीं पा रहे वो ये है कि आप प्रिंसेस ऑफ कप्स हैं। सरफेस पे देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपको इग्नोर कर रहा है, एंड अब इनके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है। पर जो सच आप नहीं जानते वो ये कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके लिए परफेक्शन है, आप इनके लिए एक जरूरत है। ओके, तो यहां पे ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता, बट फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से इस तरह के साइलेंट ट्रीटमेंट या माइंड गेम से आप पिघल जाएं या आप कुछ अपनी तरफ से अप्रोच करें तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। यहां पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप किसी जर्नी पे लग रहे हैं एक्वेरियस।
ये जर्नी है उस डायरेक्शन में जाने की जहाँ आपकी डेस्टिनी है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक तरीके का कार्मिक डेट है जो आप दोनों चुकाते जा रहे हैं और फाइनली आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ आपको होना चाहिए, एक बेहतर फ्यूचर की तरफ। ये एक तरह से क्लिंजिंग का दौर है आपके लाइफ में एंड आपके कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है मगर ये जरूरी भी है। ओके हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस चेक करते हैं आपके लिए। एक्वेरियस, Princess of Pentacles, Eight of, sorry, Ten of Wands, High Priestess, the Hanged Woman in Reverse, and Eight of Pentacles in Reverse. प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है शायद आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, अपने इमोशंस के कंट्रोल में आप इतने ज्यादा हैं। इनफैक्ट इस पर्सन की जो एक्टिविटीज है उसका असर आप पे इतना ज्यादा पड़ रहा है कि आप अपने विजडम का यूज नहीं कर रहे, आप अपनी नॉलेज का यूज नहीं कर रहे। द हैंग्ड वुमन रिवर्स में है, इसका मतलब आप पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में है और वो इमोशंस रियल नहीं है। इसलिए रियल नहीं है क्योंकि वो एक रिएक्शन में क्रिएट हो रहे हैं। ओके इस पर्सन का जो भी बिहेवियर है उसके तरफ जो आपका रिएक्शन है उसके वजह से ये इमोशंस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीट नहीं हैं एंड आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते या आपके अंदर वो खूबियां नहीं है जो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ आपके ऊपर बोझ बन रही है क्योंकि ये सच नहीं है। ओके एंड इन चीजों को आप कैरी करते जा रहे हैं अपने साथ, जैसे कि इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो। पर द हाई प्रीस्टेस के साथ एक्वेरियस, आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट से कनेक्ट होइए। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने स्पिरिट गाइड की बात सुननी चाहिए एंड आप वो कैसे सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। इस पर्सन के आने से पहले आप क्या थे एंड अब क्या हो गए हैं, इन दोनों चीजों को आपको कंपेयर करना होगा और कहीं ना कहीं अपने विजडम और माइंड का यूज कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में होने का मतलब है कि आजकल आपने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, अपने हॉबीज को समय देना बिल्कुल बंद कर दिया है जिसके कारण आप टायर्ड फील कर रहे हैं। टैरो आपसे कह रहा है वो चीजें कीजिए जो आपको अच्छी लगती है, अपने विजडम का यूज कीजिए और आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिजायर टू शेयर इट विद अदर्स। तो आप एक तरीके से हीलर हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों की मदद आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद का ख्याल रख पाएं,
अपने आप को हील कर पाए, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर ये डिजायर भी है कि आप दूसरों की मदद कर सकें। तो बस अपने ऊपर इस वक्त फोकस कीजिए। आपके हील होने से ना सिर्फ आपको फायदा है बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों को भी आपसे पॉजिटिविटी और एनर्जी मिलती है। तो ये है रीडिंग अप्रैल के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।